हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं दो तीन खबरों के बारे में डिस्कस करूंगा कि यूपी पीसीएस प्री 2023 की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है और यूट्यूब पर अलग अलग इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हटाए जा रहे हैं। अलग अलग लोग अपनी तरीके से इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसका रिजल्ट कब तक आएगा। इन तीन खबरों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो पेपर है, पेपर का जो क्वेश्चन वगैरह इस बार फॉर्मेट था, उसमें जो क्वेश्चन के डिलीट होने की जो संभावना है उनकी संख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको। हो सकता है एक क्वेश्चन भी डिलीट ना हो और हो सकता है एक या दो हो जाए, बड़ी मुश्किल से एक दो हो सकते हैं, क्योंकि इस बार आंसर की के में गड़बड़ है ना कि क्वेश्चनों में गड़बड़ है। क्वेश्चन आपका डिलीट जब होता है ना, तो उसमें क्वेश्चन आपका जब कट तभी होता है तब आपका क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर हो पूरी तरीके से गलत हो या उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे की गई हो, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपका डिलीट होता है। अगर उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है वो गलत नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं होगा। तो इस समय किसी को भी नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चनों के आंसर चेंज होंगे, क्योंकि आयोग पूरी तरीके से प्राइवेसी के मूड में है इस समय। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा अफवाहों पर ध्यान ना दें, बस इतना ध्यान रखें कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर पॉसिबल है आपके आंसर चेंज हो सकते हैं, जिसमें फॉरेस्ट वाला है, पॉवर्टी वाला है, एक दो क्वेश्चन और हैं जिन पर आंसर चेंज हो सकता है। वो एक इंडेक्स वाला है जो ग्रीन हाउस इंडेक्स वगैरह का है, उस तरीके का। उसमें देखते हैं कि आयोग क्या इन पर एक ही तरीके से इनको लेता है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन चेंज होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली जो है कि आंसर इस बार करेक्ट हैं। बहुत लोगों ने बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हैं और आयोग नहीं करने वाला। आपको पता है कि चाहे यूपीएससी, यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, ये आयोग बहुत ही ज़िद्दी हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चनों को चेंज इतनी आसानी से नहीं करते हैं। बट एक दो क्वेश्चन ही चेंज ऊपर नीचे करेंगे। पहली बात, एक अलग दौर हुआ करता था और अब का दौर एक अलग सिस्टम चला हुआ है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है आपकी ज़्यादा जाने वाली नहीं है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब पिछली बार 2022 में पेपर हुआ था तो मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने 81-82 के आसपास से क्वेश्चन सही थे और उसका प्री पास हो गया था, ये आप ध्यान रखना। और किसी ने भी ये नहीं कहा था कि पिछली बार 81-82 के आसपास से प्री पास हो सकता है। सब सेफ साइड खेलते हैं, जैसे कि मान लो मैं आपको बता दूँ 88-87 इतने पर तो प्री 100% पास हो ही जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात थोड़ी है। लेकिन जो रेंज है आपकी, आपने यूपीएससी में भी देखा होगा, मैंने आपको रेंज बता दी थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इस बार 40 के आसपास का कट ऑफ जाएगी। और मेरे एक दोस्त ऐसे हैं जिनके 78 के आसपास का क्वेश्चन मार्क्स बने हैं, उनका प्री पास हो गया था। तो 78 पर यूपीएससी का प्री पास हो गया है, ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस की, क्योंकि मैंने चार बार यूपी पीसीएस का मेंच दिया है और एक बार इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे पूरा आइडिया है यूपी पीसीएस के बारे में कि इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। पेपर इतना भी आसान नहीं था, तो ये दे सुनने में और कहना बहुत आसान है पेपर आसान था, इतना टफ नहीं था। बहुत लोग ये कहते हैं कि पेपर इतना टफ नहीं था, पीसीएस का पेपर था। देखिए, ये हम बाहर तो कुछ भी बोल सकते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो हम तो दो तीन क्वेश्चन तो ए और बी वाले और सी वाले, डी वाले में ही रॉन्ग आंसर फेल हो जाते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी होती है, हमें एक दो बार दोबारा भी रीडिंग करनी होती है। इतना आसान नहीं होता ये चीज़ों को हैंडल कर पाना एग्ज़ाम हॉल के अंदर। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सी सेट में भी फेल होंगे, क्योंकि सी सेट का पेपर भी यूपी पीसीएस का इतना आसान नहीं था, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें हिंदी के क्वेश्चन बहुत सारे आ गए थे, लगभग 25 के आसपास के क्वेश्चन थे। और ये बात है पेपर के लिस्ट के बारे में। अब गाइस हम बात करते हैं एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। प्री का रिज़ल्ट नॉर्मली इसका जो रिज़ल्ट है वो 40 से 45 दिन के बीच में आता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में।
और ये वीडियो मुझे इसलिए बार बार बनाना पड़ रहा है क्योंकि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि 87 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, 88 हो रहे हैं, 85 हो रहे हैं, क्या हमारा पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए, आपका हक बनता है कि आप वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देख लिया करो ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, ये UPSC नहीं है। UPSC जो 14-15 दिन में प्री रिजल्ट इस बार दिया उसने, नहीं तो नॉर्मली पिछली बार 17 दिन में आया था, उससे पहले 18 दिन में आया था, फिर 20 दिन में आया था। तो पहले ये ट्रेंड था कि 17 से 20 दिन के बीच में UPSC का रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमा ही पार कर दी, 14-15 दिन के अंदर ही उन्होंने रिजल्ट को दे दिया है। लेकिन UPPCS 40 से 45 दिन ही लेता है, इससे कम दिन नहीं लेता है और ना ही से ज़्यादा दिन लेता है प्री के रिजल्ट को देने में। पिछले 3-4 साल का ये ट्रेंड रहा है। तो जो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट किसी भी कीमत पर, आपका जो प्री का रिजल्ट ये 25 फरवरी से पहले तो आना नहीं है, मतलब 25 तारीख जो आने वाली, 25 फरवरी नहीं, 25 तारीख जो आने वाली है तो उससे पहले तो आएगा नहीं। और पॉसिबिलिटी ये है कि अगले महीने का ये फर्स्ट वीक तक भी ये रिजल्ट जा सकता है, क्योंकि आयोग के अंदर अभी अध्याचन इतने आए नहीं हैं और कुछ आ भी गए हैं तो उन पर जो क्वालिफिकेशन की जो दिक्कत है वो समस्याएं हो रही हैं। और आयोग ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी पे आपका रिजल्ट निकाले। अभी फ़िलहाल की तारीख में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो 260 के आसपास करें, बढ़ नहीं रही हैं अभी, और 100 के आसपास कर इस तरह वैकेंसी हैं। अगर उस पर शासन मंजूरी दे दे तो लगभग 100 से लेकर 125 के आसपास कर वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो गाइस, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।